दोस्तों अगर बात करें टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे रोमांचक सीरियल की जिसका रिकॉर्ड आज भी किसी और सीरियल ने नहीं तोड़ा है, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम स्टार प्लस का बेहद रोमांचक शो साथ निभाना साथिया का आएगा, जिसने तकरीबन 7 सालों तक दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही सीरियल की कहानी के साथ साथ सीरियल के स्टार कास्ट को भी बेहद ज्यादा पसंद किया गया था, और एक यही रीजन था कि सीरियल की स्टार कास्ट अपने अपने किरदारों को लेकर खूब फेमस हुई थी। लेकिन दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल साथ निभाना साथिया में काम करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले इन कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में बताने वाले हैं, जो इनसे बेहद प्यार करते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इन टैलेंटेड स्टार कास्ट की खूबसूरत फैमिली के बारे में। नंबर 6, वंदना विथलानी। इस सीरियल में नकारात्मक भूमिका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार उर्मिला जीतू शाह की भूमिका को निभाने वाली बेहतरीन अदाकारा वंदना विथलानी अपने इस किरदार के जरिए खूब फेमस हुई थी, जिसके लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेत्री की फैमिली की, तो इनके पति का नाम विपुल विथलानी है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। साथ ही इस शादी से आज इनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम युवान और परवा विथलानी है। लेकिन बता दें कि वंदना विथलानी की फैमिली लाइमलाइट की दुनिया से कोसों दूर रहती है, और इसलिए हमें इनकी ना के बराबर ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। नंबर 5, देवोलीना भट्टाचार्य। इस सीरियल में गोपी अहम मोदी की मुख्य भूमिका निभाकर हर घर में प्रसिद्धि हासिल करने वाली अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य आज भी गोपी के किरदार के लिए याद की जाती है। वहीं बात करें इस खूबसूरत अदाकारा की फैमिली की, तो आपको बता दें कि अभी देवोलीना भट्टाचार्य ने अपना घर नहीं बसाया है, और साथ ही इनके पिता जो कि गैस कॉरपोरेशन में कार्यरत थे, उन्होंने भी साल 1997 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके चलते आज देवोलीना भट्टाचार्य अपनी माँ अनिमा भट्टाचार्य और भाई संदीप भट्टाचार्य के साथ मुंबई में रह रही है। हालांकि देवोलीना की फैमिली भी लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इनकी कुछ तस्वीरें देखने को मिल ही जाती हैं, जिसमें इनकी फैमिली के बीच की बॉन्डिंग साफ झलकती है। नंबर 4, मोहम्मद नाज़िम। सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर अहम मोदी की जबरदस्त भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता मोहम्मद नाज़िम ने अपने इस किरदार के जरिए खूब वाहवाही लूटी थी। वहीं अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की फैमिली के बारे में, तो ये फिलहाल मुंबई में अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, जिनकी अपनी एक बहन है जिनका नाम नैला प्रवीण है। हालांकि मोहम्मद नाज़िम के पेरेंट्स लाइमलाइट में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इसलिए बहुत ही कम लोग मोहम्मद नाज़िम के पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। वह इनकी बहन शादी के बंधन में बंधने के समय लाइमलाइट में आई थी, जिसमें मोहम्मद नाज़िम अपनी बहन के साथ स्पॉट किए गए थे। नंबर 3, रुचा हस्बनिस। इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस रुचा हस्बनिस को भला कोई कैसे भूल सकता है। इन्होंने सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर राशि जिगर मोदी की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए ये आज भी जानी जाती हैं। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ फैमिली की, तो इन्होंने साल 2015 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड राहुल जगदाले के साथ अपना घर बसा लिया था, जो प्रोफेशन से एक बिल्डर है। वहीं आज ये एक प्यारी सी बेटी की माँ बन चुकी है, जो फिलहाल काफी छोटी है। नंबर 2, रूपल पटेल। सीरियल में हमेशा अपनी धाकड़ आवाज से एंटरटेनमेंट के फुहारे बरसाने वाली अभिनेत्री रूपल पटेल ने सीरियल में कोकिला मोदी की जबरदस्त भूमिका निभाई थी, जिसके लिए ये आज भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं। वहीं अगर बात करें इस बेहतरीन अदाकारा की फैमिली की, तो इन्होंने काफी सालों पहले राधा कृष्ण दत्त के साथ अपना घर बसाया था, जिसे आज उन्हें एक बेटा है जिनका नाम हर्ष पटेल है। बता दें कि राधा कृष्ण दत्त प्रोफेशन से एक एक्टर है, वहीं इनके बेटे हर्ष पटेल फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, जो चकाचौंध भरी लाइफ से दूर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 1, जिया मानिक। इस सीरियल में अभिनेत्री जिया मानिक ने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर गोपी अहम मोदी की भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ समय तक सीरियल से जुड़े रहने के बाद इन्होंने सीरियल को अलविदा कह दिया था, लेकिन इनके जाने के बाद दर्शकों ने जिया मानिक को बेहद मिस किया। वहीं अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री की फैमिली की, तो फिलहाल ये सिंगल हैं, जो मुंबई में अपने पिता हर्षद मानिक और मम्मी रीना मानिक के साथ रह रही हैं। बता दें कि जिया मानिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। हालांकि जिया को कई बार इनकी मम्मी रीना मानिक के साथ स्पॉट किया गया है, लेकिन इनके पिता हर्षद मानिक लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं। तो दोस्तों आपको सीरियल साथ निभाना साथिया में इन बेहतरीन कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें।